भाई, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्राम विद प्रियांश। और आज हम सीखने वाले हैं कि पाइथन के थ्रू हम किसी इमेज को कैसे डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन किसी वेबसाइट से या फिर गूगल से। अब आप कहोगे यार इस प्रोजेक्ट की यार क्या ज़रूरत है यार, ये तो हम डायरेक्ट वैसे ही गूगल में राइट क्लिक करके कर सकते हैं। तो आपकी बात सही है, पर लेकिन अगर आप सोचो कभी आप बना रहे हो कोई ब्राउज़र तो आप क्या करोगे फिर। जैसे मैंने आप एक फाइल बना के रखी और downloader.py VS कोड में एक में, इसके लिए पहले आपको जो मॉड्यूल्स की आवश्यकता पड़ेगी मैं उसके नाम बता देता हूँ। सबसे पहला मॉड्यूल हमारा रिक्वेस्ट, अगर आपके में इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है इंस्टॉल तो आपको बस जस्ट लिखना है pip install requests। ठीक है, मैं स्पेलिंग आपको स्क्रीन पर लिख देता हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेरी में ऑलरेडी बता देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कोई ब्राउज़र बनाओगे भविष्य में तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि यार कैसे कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, इस वजह से मैंने आपको ये फंक्शन आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड जो मॉड्यूल की हमको ज़रूरत पड़नी है उसका नाम है किंटर। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा pip install किंटर टेबल। किंटर टेबल में आप देख पा रहे हो यहाँ पे टी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, के से स्टार्ट नहीं, टी से स्टार्ट। ठीक है, हमें सिर्फ दो मॉड्यूल की ज़रूरत थी, मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देता हूँ। उसके बाद हमें जो काम करना है, हमें करना है हमारे रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट। तो इसके लिए हम लिखेंगे इम्पोर्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा किंटर का क्यों यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ इतना करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं URL वाला, इसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे कि आप बताओ। तो मैं यूजर से इनपुट लेना है कि आप URL दीजिए हमें कौन सी इमेज आपको डाउनलोड करनी है। उसके लिए मैं लिख रहा हूँ URL इक्वल टू इनपुट इंटर द इमेज URL। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो देना हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक पोस्ट नाम का वेरिएबल बनाना है जिसमें हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लिखना पड़ेगा request.get और हम URL को पास कर देंगे। ठीक है, और इसमें हमारे लिए एक फंक्शन होता है, बोले तो आर्ग्यूमेंट होता है, वो हमको वहाँ पे ट्रू देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वो नहीं दोगे दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइल हैंडलिंग यूज़ करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग कैसे यूज़ की जाती है, इसके लिए हमको जस्ट कुछ नहीं करना है, हमें एक फ़ाइल ओपन करनी है। तो इसके लिए मैं लिखूँगा ओपन और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल नेम दे दूँगा, जैसे मैं आप कोई भी मैं देता हूँ file.png या फिर ramsyam.png, आप जो भी देना चाहो फाइल का नाम। तो मैं यहाँ देता हूँ ramsyam.png। ठीक है, जिससे मुझे ढूंढने में आसानी हो क्योंकि मेरे कंप्यूटर में इस नाम की कोई फाइल नहीं होती, या फिर jpg दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देना है wb। wb क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जिस वजह से हमारी ये फाइल अगर नहीं हो तो क्रिएट हो जाए, और अगर है तो वो उसके ऊपर ओवरराइट कर जाए। इसके बाद हमें लिखना है .write, वो जो हमने पोस्ट में कंटेंट बुलाया है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसलिए हमें लिखना पड़ेगा post.content। तो जो पोस्ट हमारा वेरिएबल है उसके पास जो भी कंटेंट है वो हमारी इस फाइल में राइट हो जाएगा। आई होप गाइस आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक सीधा प्रिंट फंक्शन लिख दूंगा कि प्रिंट फाइल सक्सेसफुली डाउनलोडेड। ठीक है, प्रिंट फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ही जो हम इमेज डाउनलोड करने का प्रोग्राम वो हमारा बन चुका है, तो हम इसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन हुआ मुझसे पूछ रहा कि आप इंटर द URL। तो इसके लिए हम चलते पहले हमारे क्रोम पे, और इसमें आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे ऑलरेडी इमेजेस सर्च करके रख चुका हूँ। आप लोग चाहो तो कोई भी इमेज सर्च कर सकते हो, मैं यहाँ पे कम कर कार वाली इमेजेस खोल लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं कार वाली इमेज पे मैंने क्लिक किया है, देखते हैं मैं ये वाली कार सेलेक्ट करना। ठीक है, इसमें राइट क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे लिए एक ऑप्शन आता है कॉपी इमेज एड्रेस। तो हमें इस इमेज का एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेना है, उसके बाद हमें यही एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस एड्रेस को यहाँ देंगे इंटर प्रेस करेंगे तो देखो क्या होता है, ये बता रहा है फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली, मेरी ये फाइल डेस्कटॉप पर थी। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं इसको यदि बैक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरी फाइल शो नहीं हो रही है। तो क्या मेरी फाइल डाउनलोड हुई नहीं है, तो यार फाइल डाउनलोड हो गई है। इसके लिए हमको हमारे सीधे सर्च, हमारी जो सर्च बार होता है हम वहाँ से सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे लिख के ramsyam.png। मैंने इसीलिए ramsyam.png दिया था जिस वजह से हमारा फाइल का नेम किसी के साथ मैच ना हो। जिसमें ramsyam लिखा हूँ तो आप देख पा ramsyam यहाँ पे आ गया। मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारी वो इमेज आ चुकी है। पर यार प्रॉब्लम ये हुई कि अगर हम एक ही नाम की इमेज एक ही नाम सेट कर देंगे तो यार बार बार उसी यही इमेज ओवरराइट होती रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार यूज़र जगह भी बताए कि कहाँ डाउनलोड करना है,
ठीक है, और यूज़र ही फाइल का नाम बताएं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक चीज़ इंपोर्ट करनी है जो मैंने अभी आपको किंटर से, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ फ्रॉम किंटर इंपोर्ट फाइल डायलॉग। तो इससे क्या होगा, फाइल डायलॉग ओपन हो जाएगा जिससे कि हम यूज़र से पाथ ले पाएंगे और फाइल का नाम भी ले पाएंगे। तो हमें यहाँ वेरिएबल बनाना है फाइल पाथ, ठीक है, फाइल पाथ में हमें लिखना है फाइल डायलॉग डॉट आस्क एज सेव नेम फाइल, ठीक है, सेव एज फाइल नेम, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इक्वल टू डॉट जे पी जी, जिससे अगर यूज़र कोई भी एक्सटेंशन नहीं देता है तो डॉट जे पी जी के नाम से सेव हो जाए। ये हम फाइल एक फाइल डायलॉग ओपन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फाइल पाथ वेरिएबल रहेगा इसमें हमारे फाइल का नाम और पाथ दोनों आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, जो हमने यहाँ पे फाइल का नाम दिया है इसकी जगह पे हम फाइल पाथ को पास कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फाइल पाथ को पास कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल बी से रन इसको मैं रन करता हूँ उस प्रोग्राम को, तो देखो ये मुझसे दोबारा URL पूछेगा। तो मेरे पास URL अभी ऑलरेडी कॉपी है, तो मैं इसी को दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो मैंने जैसे इसको एंटर प्रेस किया तो अब साइड में नीचे देख पा रहे हो VS Code के बाजू में एक विंडो ये आ गई है, इस पर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हो ये हमारी फाइल डायलॉग बॉक्स खुल गया। तो मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ किसी भी नाम से, मेरी कार डॉट लिख देता हूँ या फिर कुछ भी नाम से, आप जो भी देना चाहो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख देता हूँ मेरी कार डॉट, डॉट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फाइल एक्सटेंशन मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो देखो ये बता रहा है फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली। तो हम चल के चेक कर लेते हैं, तो देख पा रहे हो गाइस हमारे पास यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है। इसके बाद एक काम कर, देखो और दूसरी इमेज डाउनलोड करके देखते हैं। तो ये ब्राउज़र जब आप क्रिएट करोगे तो उसमें आपको फंक्शन देने के लिए काम आएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं इसको दोबारा यहाँ पे रन करके पेस्ट कर दूंगा। तो देखते हैं ये वाली इमेज हमारी डाउनलोड होती है कि नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है आपको, अभी नहीं इन फ्यूचर आपको ये सच में काम में आएगा जब आप ब्राउज़र बनाओगे। तो मैं इसको दोबारा डेस्कटॉप पर सेव कर दे, इसका नाम दे दो मेरी टू कार, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। उसको सेव कर दो, बता रहा फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली, चेक करते हैं हुई है कि नहीं। तो देख पा रहे हो हमारी फाइल आ चुकी है, जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो। तो आई होप गाइस आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और मज़ा आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं ऐसी वीडियो पाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, घर पर रहें, सेफ रहें, थैंक यू।